नमस्कार दोस्तों, गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ जीके की क्लास। जीके की आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से बात करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है जो कि लगातार आते रहते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों पर जो है हम बात करेंगे, और आप सभी लोग एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं। आप जो आंसर अपना करेंगे उसे नोट डाउन करते रहिएगा, और वीडियो के अंत में उसे जो है देखिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां मैं रोज़ाना जो है अपलोड करते रहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आज के इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्यान्ह योजना चलाई गई, यानी कि मिड डे स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट किसे, एडल्ट लिटरेसी को, या फिर आपकी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, या आपका यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं कि माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो होगा वो है विकल्प बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर ये जो है सब पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया गया है, इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1990 यानी कि 1995 में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी परिषदी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर पहले क्या होता था, 3 किलो गेहूं और चावल की व्यवस्था होती थी। उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया, 1 सितंबर 2004 से पकाया हुआ भोजन दिया जाने लगा है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या मुस्लिम लीग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल आर्मी। इसे जो है जिसे बाद में जो है इन्होंने लगभग 1943 में जो है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी को इन्होंने इसका कार्यभार जितना भी था वो सब उन्हें सौंप दिया था। तो आइए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑप्शन बी जो है सही है, और यहाँ पे दिया हुआ है पूरा सब कुछ, एक्सप्लेन किया गया है कि जो राज बिहारी ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, उसी के साथ में बाद में उन्होंने क्या किया था कि राज बिहारी जी ने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर बुलाया, वहाँ पे मिले थे उनसे 1943 में, और उन्होंने जो है दोनों इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी यहाँ पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन है, मदन मोहन मालवीय, एनी बेस्टन, महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बीआर अंबेडकर जी जो है जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें सभी में इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इसे ज़रूर पढ़िएगा, इसमें जो है इंपॉर्टेंट डेट जो दी हुई है उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई,
या फिर विजय लक्ष्मी पंडित, तो किनके जन्मदिवस पे हुआ है? तो देखते हैं इसका जो है सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है आपका विकल्प बी, कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, यानी कि विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर या एग्रीकल्चर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का, उसे हम बैकबोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इंडियन यहाँ पर किसके द्वारा, इन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया का अपने, उस किसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है यानी पब्लिश किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि ISI के द्वारा? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो है यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाई द प्रेसिडेंट? 10, 22, 12 या 9? तो कितने लोगों को यहाँ पर किया जा सकता है तो ये आपको बताना है यहाँ पर। आप जो है बताना क्या है, आप जो है अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आपसे आपको बताता हूँ यहाँ से इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 12 सदस्यों को वो नॉमिनेट कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शाहबाज गहरी या धौली, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका विकल्प बी, शाहबाज गहरी में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2004 में जो है इसे यूनेस्को के द्वारा जो है इसे एक विश्व विरासत के उसमें जो है शामिल कर, सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? प्राथमिक शिक्षा के बल पर, उस एजुकेशन पर, या फिर माध्यमिक शिक्षा पर, या स्त्री शिक्षा पर, या तकनीकी शिक्षा पर? तो हंटर आयोग जो था वो किस पर ज़्यादातर उसने फोकस किया, यानी कि उस पर ज़्यादा उसने काम किया है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन पर उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, यानी कि लिखा गया है? तमिल में है, पाली में है, या फिर संस्कृत में, या हिंदी में? तो कौन सी भाषा में इसे लिखा गया है यही बताना है। तो फ्रेंड दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, संस्कृत में लिखा गया है इसे। और इसे जो है अनुवाद करने का जो अनुवाद जो इसका रूपांतर हिंदी में, यानी कि जो इसने अनुवाद किया है वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनको जो है इस बात का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट, फॉन्ट या सबस्क्रिप्ट? तो क्या होगा इस सबस्क्रिप्ट इस क्वेश्चन का आंसर, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो है आपका विकल्प बी, अलाइनमेंट। और आपका जो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है इसमें जो है तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं आपका, तो एक हो गया टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट हो गया एक, तो ये तो ऑप्शन है, एक तो अलाइनमेंट हो गया आपका, एक स्पेसिंग हो गया, और एक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए देख लेते हैं, आप यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया है सभी को, अलाइनमेंट को और स्पेसिंग को भी, और आपका जो है इंडेक्स जो था उससे भी जो है यहाँ पर, तो आप सभी सब देख सकते हैं, इसे पढ़िएगा कि बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग? तो
निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है संविधान के विषय में, वही बताना है। यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, या एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, या सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी देता है, या यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिए। ये आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म मूल मूल वंश, जाति, लिंग आदि, जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है आता है। तो ये जो है कथन एक असत्य है, जो बी वाला था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंसर पहले ही डिस्प्ले हो गया। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज बॉडीज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी आप देख सकते हैं, दिखा रहा है संविधान के 73वें 74वें संशोधन में पंचायती पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है, उनके नियमित चुनाव होंगे सभी स्तरों पर। तो यहाँ पर पूरी जो है डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप इसे जो है रीड कीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द फर्स्ट सेशन इन इंडिया वॉज हेल्ड, यानी भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई? 1852 में हुई, 1872 में, 1881 में, 1952 में। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा 1872 में। तो यहाँ पर आप जो है पूरा दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा, टोकरी बुनने का यानी बास्केट वेवर, या माली का, गार्डनर, प्रोजेक्ट कुम्हार का, या फिर पुजारी का? तो कौन सा नहीं जुड़ा है? तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ये पुजारी, जो पुजारी मंदिरों में बैठे होते हैं उनसे ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा है। कहने का मतलब ये किसी उसमें क्षेत्र में नहीं जुड़ा है, ये तो बस अपने हिसाब से उनका चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ISDN इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेयर, यानी कि ये कहाँ पर है? ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, कहाँ पर यानी कि स्थित है ये बताना है जहाँ वहाँ पर क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। वॉइस, वीडियो एंड डाटा ऑल आर ट्रांसमिटेड, या फिर ओनली साउंड इज ट्रांसमिटेड, ओनली वीडियो इज ट्रांसमिटेड, या ओनली डाटा इज ट्रांसमिटेड। तो क्या संचित होता है वहाँ, ट्रांसमिटेड की ट्रांसमिट किया जाता है? तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ISD इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूव्ड फंडामेंटल राइट्स? कौन सा नहीं है, कौन सा यहाँ पर जो है उदाहरण नहीं है? तो यही बताना है। ए है यहाँ पर, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, या फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, या माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, या फिर सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है आपका विकल्प सी, और उसके बाद जो है विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। और इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो है पूरे आर्टिकल यहाँ पे दिए हैं, कौन सा आर्टिकल है और क्या क्या है चीज़ें, सभी कुछ दिया है, और इसे जो है पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया था? तो यहाँ पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, या फिर कंप्यूनेशनल
रिसर्च लेबोरेटरी CRRL या फिर कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, तो कहाँ पर किया गया था? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इसे जो है प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन डिवाइस वॉज कौन सा था? टेलीफोन, टेलीग्राम या टेलीग्राफ, कंप्यूटर या फिर टेलीविज़न? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका बी, टेलीग्राफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया टेलीग्राफ को, यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है। धीमी स्तर ये 1850 में जो है पहली बार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई थी। दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और आई होप ये सेशन आपको सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा और ये जितने भी इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ें और तैयार कर लें, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।